15 साल की उम्र से ही एक्टिंग की शुरुआत करने वाली जया बच्चन की फिल्म गुड्डी के सेट पर अमिताभ बच्चन से मुलाकात हुई थी। तभी अमिताभ की सादगी जया को लुभा गई थी। जब जया की सहेलियां अमिताभ को देख लंबू लंबू कहकर चढ़ा रही थीं, तब वो अपनी सहेलियों से लड़ पड़ी। कहा जाता है कि फिल्म कूली के सेट पर हुए एक्सीडेंट की वजह से एक तरफ अमिताभ ब्रीच कैंडी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, तब जया हर दिन ब्रीच कैंडी अस्पताल से सिद्धि विनायक मंदिर नंगे पांव चलकर जाती थी। इतना ही नहीं, अमिताभ की प्रोडक्शन कंपनी कर्जे में डूबी थी तो जया ने ही उनका हौसला बढ़ाया था। अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म शहंशाह की स्टोरी जया बच्चन की लिखी हुई है। वाकई अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह बनने में जया का बहुत बड़ा हाथ है। For all the Bollywood updates, watch jagran.com.